उत्तराखंड के रामनगर के झेला नदी के राप्ते में सुबह पर्यटकों की कार तेज बहाव में बह गई। कार में सवार 10 लोगों में से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार रामनगर के सरकारी अस्पताल में जारी है। पुलिस मृतकों की शनाख्त में जुटी है। पर्यटक पंजाब के पटियाला निवासी बताए जाते हैं। स्थानीय पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर मौजूद है। दरअसल एक इनोवा कार में सवार 10 पर्यटक जो ढेला रामनगर स्थित रिजॉर्ट में प्रवास कर लौट रहे थे, बताया जा रहा है कि सुबह 5:45 के आसपास पर्यटक ढेला नदी के रास्ते पर पहुंचे ही थे कि नदी में आए तेज बहाव में उनकी कार बह गई। कार में सवार 4 पर्यटकों के शव पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। एक युवती नाजिया उम्र 22 वर्षीय को घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। कोतवाल अरुण कुमार सेनी ने बताया कि कार में अभी 5 लोगों के शव हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास जारी है। कार को नदी से निकालने के लिए क्रेन को मौके पर बुलाया गया है। मृतकों में 3 युवक और 6 महिलाएं शामिल हैं। घायल युवती का अस्पताल में इलाज जारी है, अभी वे सदमे में है। मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पर्यटक पटियाला पंजाब के रहने वाले बताए जाते हैं, जो ढेला के रिजॉर्ट में आए थे और सुबह लौट रहे थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।